हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू कंटिन्यू दिस टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो आज हम भारतीय जो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसको डेवलप किया गया और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। द Drafting of the constitution was done by an assembly for elected representative called the Constituent Assembly। यानी कि जो हमारा जो संविधान है उसको ड्राफ्टिंग यानी उसका जो ढांचा तैयार किया गया था वो एक असेंबली यानी एक संविधान एक सभा के द्वारा किया गया था, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो एक जो चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा थी उसके द्वारा हमारे संविधान को ड्राफ्ट यानी कि तैयार किया गया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि संविधान सभा के नाम से जानते हैं। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके चुनाव जुलाई 1946 यानी कि जुलाई 1946 में कराए गए। एंड इट फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इसकी जो पहली मीटिंग थी यानी इस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946 में की गई। सो आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द दैट ऑफ पाकिस्तान। जब भारतीय भारत का जब डिवाइड यानी कि जो कंट्री है जो देश है देश में जब विभाजन हुआ तो विभाजन के साथ ही जो भारत और पाकिस्तान देशों का जो निर्माण हुआ उसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया और दूसरी थी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो भारत की संविधान सभा अलग हुई और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। यानी कि जो भारतीय संविधान को लिखने वाली जो संवैधानिक सभा थी उसमें 299 मेंबर थे। द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 but is come into effect on 26 January 1950। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार कर लिया था, बट इफेक्ट पर इसे लागू किया गया 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950 में। टू मेक दिस डे वाज सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसलिए हम हर साल जो 26 जनवरी है उसे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वी शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये संविधान है जो इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया इसमें इसे हम क्यों अपनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द मेंबर अलोंग, इट एक्सप्रेस द ब्रॉड कॉन्शियस ऑफ इट्स टाइम। यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने देखा कि ये किसी एक व्यक्ति के विचार न होकर सभी व्यक्तियों के विचारों को इसमें शामिल किया गया। द सेकेंड रीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। और जो इस संविधान को अपनाने के हमारे जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जो संविधान सभा थी वो रिप्रेजेंट यानी कि जो इंडिया के जो पीपल हैं इंडिया के लोगों को ही रिप्रेजेंट यानी कि उनका ही मार्गदर्शन कर रही थी, उनके द्वारा ही बनाई गई थी। फाइनली द manner in which the constitution assembly work gives the constitution assembly work in a
सिस्टमेटिक ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, जो हम देखें तो जो हमारी संविधान सभा है उसने सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित रूप से काम किया है, इसलिए ये संविधान को अपनाया जाता है। फर्स्ट, सम बेसिस प्रिंसिपल वर डिसाइड एंड एग्रीड ओपन, देन ए ड्राफ्ट कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्कशन, यानी कि कुछ जो हमने जो सिद्धांत है सिद्धांतों का पालन करते हुए एक जो ड्राफ्ट कमिटी है उसको बनाया, यानी कि जो संविधान निर्मात्री सभा है उसका गठन किया, जिसकी अध्यक्षता चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई, और उन्होंने एक जो ड्राफ्ट है यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक ढांचा है वो तैयार किया, जिससे जिस पर कि डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श हुआ। सेवन राउंड ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि जो हम देखें तो अलग अलग तरीके से डिस्कशन यानी विचार विमर्श हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का ढांचा जो तैयार किया गया था उसके एक एक क्लॉज यानी कि एक एक चीज एक एक जो पार्ट है उस पर डिस्कस किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्स, और इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए। एवरी डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोक इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्स, यानी कि जो हर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका प्रत्येक डॉक्यूमेंट यानी कि हर जो दस्तावेज है उसे प्रेजेंट यानी प्रस्तुत किया गया, और एक एक जो उसका वर्ड है यानी कि जो एक एक शब्द जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रिकॉर्ड किया गया और उसे सुरक्षित रखा गया। इसे हम दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, इसे हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के नाम से भी